अच्छा बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप, उम्मीद करते हैं खैरियत से बड़ी होंगी, अच्छे होंगे गाइज, और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइज दिल्ली की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आज है 5 जनवरी, आज जनवरी है 2024 में हम आ चुके हैं। और मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड की वजह से ना कैमरा तो दूर की बात है, बिस्तर में पड़े रहो काम भी नहीं होता है, इतना ठंड है दिल्ली में, बहुत पड़ा इस साल ठंड बहुत ज़्यादा, और बाहर तो धूप निकलने का नाम ही नहीं ऐसा है। तो अभी भी बिस्तर में बैठे, देखिए गाइस अभी बिस्तर में बैठी हूँ। और आयान अरमान की छुट्टी पड़ी है ना, आयान छुट्टी पड़ी है ना आपकी, स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ी? और खाली सलाम कर, अभी खाली बैठा हुआ है और मैं अभी वेलकम कर रही हूँ आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है, और अम्मी के घर से ना कुछ कुछ सामान आया था, गुड़पट्टी और चिक्की वगैरह कुछ, और खजूर आया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और बहुत ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, ठंड है आपके इधर किधर किधर ठंड ज़्यादा पड़ी है कमेंट करके बताना, हमारे दिल्ली में बहुत ठंड है, तो इसलिए आप कमेंट करके बताना आपके इधर ठंड है क्या नहीं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, जहाँ पर भैया हम ठंड में इतना हो रहे हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरता है वहाँ पर पता नहीं क्या ठंड होती होगी, शाइस्ता जी उनके साथ क्या होता होगा। तो गाइज बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, ऐसा है। तो अभी मैं कई दिन से मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया था, कि मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी और ठंड भी इतनी थी, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं कह रही स्टार्ट कर देती हूँ, 2024 स्टार्ट हो चुका है और वीडियो भी स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने सोचा तो आपके साथ वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं क्या कह रहा है से ला अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। सलाम करो, क्या खा रहे हो आप? कुछ नहीं। ये क्या चिपका दी टेप? तो गाइस देखिए, नानी के घर से लाए थे और मैंने बिस्तर देखी, हमारे मेरे बिस्तर उठे ही नहीं क्योंकि ठंड बहुत है गाइस, ठंड बहुत है, कहाँ जाएंगे? मम्मी कर दो। क्या कर दो? भाई कहाँ है? लगेगा भाई कहाँ है? कहाँ खेल रहे? ट्यूशन से नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास है क्या उसका? नहीं। और ये क्या है, चिक्की गुड़पट्टी? 300 रुपये की गुड़पट्टी है। 300 रुपये कौन लाया, कौन लाया, किसने भेजा? नानू ने? पता नहीं। कहाँ से लाए आप? नानी के घर से लाए ना पापा ने? हाँ नानू ने भेजा आपके लिए, खाओ। अच्छा मजा है। तो गाइस बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, बिस्तर में से उठने का मन नहीं कर रहा था। ये है गुड़पट्टी, अब्बू के यहाँ से आया था, गुड़पट्टी है, खाते नहीं है बच्चे, फिर भी खा ही लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और खजूर, खजूर तो खाते हैं, सारे फाड़ फाड़ के ट्राई कर चुके बच्चे, खजूर कितने बड़े बड़े, अब्बू के घर से आए। मैं खाती हूँ गुड़पट्टी भी, मैं खाती हूँ, खैर ये भी गुड़पट्टी है शायद, ये भी पता नहीं इसका नाम क्या है, गुड़पट्टी है, इसको भी गुड़पट्टी बोलते हैं, नहीं खाए इसको, गुड़पट्टी बोलते ना खाली इसको, नहीं क्या इसे वो बोलते हैं, गुलाब, गुलाब ऐसे कुछ नाम है इसका। मुझे ये अच्छा लगता है, गुड़पट्टी से ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें तेल वगैरह रहता है। क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे गुड़पट्टी मुझे पसंद नहीं है, मीठा बहुत होता है, ये हल्का मीठा है ऐसा है, तो गाइज अभी मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो ऐसा है, चाय पीने का मन है तो चाय पीऊंगी, अभी ठंड से निकलना नहीं हो रहा। और अरमान आ गया अपने दोस्त के घर पढ़ने, और देखती हूँ कल का खाना रखा हुआ है, तो खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चे अम्मी के घर चल जाते हैं, बच्चे खाते नहीं है कभी कौन, तो अम्मी के घर चल जाते हैं, खाना नहीं होता है, तो खाना रखा हुआ। कल मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी भी रखा हुआ, चावल भी रखा हुआ है, और देखती मेरे हस्बैंड से कुछ मंगा लूँगी खाने के, ऐसा है, ठीक है। अभी मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। बच्चे अभी खाने में क्या है ये? अच्छा
बोलोगे क्या? अच्छा कोई नहीं, आपने उसको जबरदस्ती फाड़ा है। हाँ फुला फुला के उसने आपने खराब कर दिया उसको। तो मैं क्या करूँ, आप पैसे दो क्या हैं? फालतू की चीजें लाते हो आयन, ये तो सही है। आपने झूठ बोला, झूठ बोला मम्मी से। हाँ गाइज, मैंने अभी पपीता कट करा, मैंने बच्चों को दूंगी, खाएंगे बच्चे, और आज खाना तो बना दिए। खैर मैं बोल रही हूँ ना, ये तो गोभी आलू की सब्जी है और चावल है रखा हुआ। शाइस्ता भाजी ने मुझे अभी भेजा दिया था, भेजा मैंने खाई है रोटी, ऐसा है और ये रखी है, ऐसा है कुछ बाहर से मंगा लूँगी, ऐसा है। देखिए तो बच्चों को दे देती हूँ, पपीता कट कर दिया मैंने। अरमान सलाम करो, वेलकम कौन करेगा? क्या कहाँ से आ रहे हो अभी? खेल के वो क्या होता है, सारे पढ़ के आ रहे हो? अब पपीता खा लो, मैंने कट कर दिया। पॉपकॉर्न मत खाओ, 25 में से 25 खाऊंगा। तो गाइस अभी बच्चे अरमान गया था उसके दोस्त के घर पढ़ने, ऐसा है। अरे देखो आयन क्या कर रहा है इसके साथ, पपीता खाओ। तो कब से मैं ट्यूशन गया था, उससे पहले से। और गाइस ठंड बहुत हो रही है। अरे क्या अरमान कैसे करती, चिल्लाती क्यों था? और तुम किसके बेटे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। हैं क्या हो गया, पागल हो गए क्या? मेरा बेटा नहीं है अरमान। खाओ पपीता खाओ। मम्मा खाली क्या खेला तू, अभी क्या खेला है? फ्री फायर, अभी फ्री फायर का डंडा मैं मारूंगी। किसके साथ? अज्जू भाई के साथ, मेरे साथ। भाई। तो गाइस बच्चे कर रहे शैतानी और बहुत सा लगा है ठंड में ना। नहीं मम्मा। तो क्या 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 फोन नहीं मिलेगा फोन? मम्मी पागल नहीं है के? इस रात के टाइम पे मैंने बजाई कोयला और कोयला से धुआं निकल रहा है और सबको रुला दे कोयला, है ना? वोल्केनो लग रहा है। वोल्केनो लग रहा है, तो देखिए। और कोयला जलाया मैंने क्योंकि घर गर्म रहा है, इसलिए देखिए धुआं कैसे आग जल रहा है। अभी तो धुआं हो गया था घर में, क्या हो गया था यार? धुआं अभी तक है घर में और मेरे आँख भी जल रहे हैं और मैंने धुआं जलाया तो इसलिए। तो गाइस देखिए, और अब ये जला के ना छोड़ दूंगी और सो जाएंगे, ठीक है? रात के बज रहे 11:30 और ठंड बहुत बढ़ रही दिल्ली में, पता ही आपको। तो मैं यही ब्लॉग एंड करूँगी। लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, जैसे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।